रूपक अलंकार अर्थालंकार का दूसरा प्रमुख भेद है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उपमा अलंकार के चार प्रमुख अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। एक तरफ जहां उपमा अलंकार में पूर्व में वर्णित चारों अंगों पर नज़र रखते हैं, यानी उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म पर, वहीं रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान पर अपनी दृष्टि रखनी होती है। इसकी आवश्यकता हमें अर्थालंकार के तीसरे प्रमुख भेद उत्प्रेक्षा में भी पड़ती है, अतः ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम एक बार फिर बता देना जरूरी समझते हैं कि उपमेय वो होता है जिसकी हम उपमा देते हैं, अर्थात जिसकी हम तुलना करते हैं, तथा उपमान वो होता है जिससे या जिसके द्वारा हम उपमेय की तुलना करते हैं। उपमा अलंकार का तीसरा अंग है वाचक शब्द, जो उपमेय और उपमान को नज़दीक लाता है। उपमा अलंकार का जो तीसरा प्रमुख घटक है वाचक शब्द, वह उपमेय को और उपमान को नज़दीक लाता है। जैसे सा, सम, सरस, समान जैसे आदि शब्द। अब रूपक अलंकार में इन्हीं शब्दों का अभाव होता है, यानी जो वाचक शब्द होते हैं वह रूपक अलंकार में गौण हो जाते हैं। रूपक अलंकार में हम इन्हें नहीं देख पाते हैं या हमें देखने को नहीं मिलते हैं। रूपक का अर्थ होता है एकता। अर्थ के अनुरूप ही इस अलंकार में उपमेय और उपमान को एक करके दिखाया जाता है, अर्थात उनके बीच के भेद को खत्म कर दिया जाता है, अर्थात एक को दूसरे के ऊपर आरोपित कर दिया जाता है। व्याकरण के अनुसार कहा जाता है कि जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, तब रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, अर्थात हे माँ मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना ही लूँगा। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि चांद जैसा खिलौना नहीं, चंद्रमा रूपी खिलौना, यानी जैसा शब्द जो खिलौना और चांद के बीच में जो जैसा शब्द हम वाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं उपमा अलंकार में, उसका प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। यही चंद्रमा उपमेय है और उपमेय में खिलौना उपमान का आरोप कर दिया गया है। अगला उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई में चरण उपमेय पर कमल का आरोप किया गया है। अगला उदाहरण है शशिमुख पर घूंघट डाले, या फिर प्रीति नदी में पांव न बोड़ियो। ये सारे उदाहरण जो हैं वो रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। आपने देखा कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच के अंतर को समाप्त किया गया है, यानी उपमेय में उपमान को आरोपित किया गया है, उनके बीच के भेद को मिटाया गया है। और जब उपमेय और उपमान के बीच के भेद समाप्त हो जाते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर उनको आरोपित किया जाता है, तो वही रूपक अलंकार होता है। आगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आप ये देखेंगे कि उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है। जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। जबकि उपमेय और उपमान के भेद को मिटा दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, और उपमेय और उपमान की जहाँ तुलना की जाती है वाचक शब्दों का सहारा लेकर के, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इस तरीके से ये अर्थालंकार के तीन भेद जो हुए, उपमा,
रूपक और उत्प्रेक्षा, इन तीनों का संबंध उपमेय और उपमान से है। यानी इन तीनों अलंकारों को पहचानते वक्त हमें उपमेय और उपमान पर अपनी दृष्टि तीव्र रखनी होगी, तीक्ष्ण रखनी होगी, इन पर विशेष ध्यान देना होगा। आगे अर्थालंकार के कुछ और भेद हैं, जैसे मानवीकरण तथा अतिशयोक्ति अलंकार। तो मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार की चर्चा अगले विजुअल में की जाएगी।